राधे श्याम, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। जो आज का विषय है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, वो लगभग हर किसी के घर में मौजूद होता है। दिन की शुरुआत उससे होती है, किसी किसी की तो रात भी उसी को देखकर होती है, और महिलाओं की ये पसंदीदा चीज है। लेकिन आपको भी पता है कि अगर ये चीज गलत जगह पे हो तो इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। देखिए, मैं जो कुछ भी कोई भी नियम वगैरह आपको बताती हूँ ना, उन नियमों को करने से या फिर उसकी जो दिशा बदलने से आपका एक रुपया भी नहीं लगता, 25 पैसे भी नहीं लगते। एक रुपया तो बहुत दूर की बात है, आपका एक भी पैसा नहीं लगता। तो भैया, मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो। तो ठीक है, एक रुपया जिसमें ना लगता हो उसको मान लेने में ही भलाई है, कि भैया अगर मन की हो तो अच्छी, ना हो तो और भी अच्छी। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो विषय है वो है आईना। घर में आईना कैसा होना चाहिए, आईना किस दिशा में होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे आईना होना चाहिए, अर्थात कहाँ कहाँ पे शीशा होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे शीशा नहीं होना चाहिए, शीशे की सही दिशा क्या है, और किस कमरे में होना चाहिए, किस कमरे में नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि घर में कैसा शीशा होना चाहिए। नंबर वन, बहुत जरूरी है, हमने देखा है कि लोग डेकोरेशन के चक्कर में या फिर ऐसे चक्कर में, किसी भी चक्कर में गोल शीशा ले लेते हैं, जो कि सरासर वास्तु दोष के अनुसार गलत बनाया है। वास्तु दोष इससे उत्पन्न हो जाता है। वास्तु के अनुसार गोल शीशा घर में नहीं होना चाहिए, घर में चौकोर शीशा होना चाहिए, चौकोर शीशा। और ये मैंने कहीं कहीं देखा है कि ऐसे तिकोना शीशा भी घर पे होता है, तो भैया वो रिश्ते में भी तिकोन दरार बना रहता है, तीन दरार रिश्ते में आ जाती है अगर तिकोना शीशा घर पे होता है, तो आपको चार कोनों वाला शीशा घर पे लेना चाहिए, वही सबसे अच्छा होता है। अब दूसरी चीज मुख्य होती है आपका बेडरूम। अगर आपके बेडरूम में भी शीशा है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हो सकता है, लेकिन आपके जो बिस्तर है जिसपे आप लोग सोते हैं, उस बिस्तर का एक भी अंग आपके उस शीशे में नहीं दिखना चाहिए। आपको वो शीशा उस दिशा में रखना है, वैसे तो कोशिश कीजिए कि होए ना, अगर है भी तो शीशे की उस दिशा में रखिए, शीशे को उस दिशा में रखिए कि आपके बिस्तर का एक भी अंग, अर्थात अगर आप सो भी रहे हो तो आपका भी एक भी अंग उस शीशे में नहीं दिखना चाहिए। या फिर भैया ऐसी व्यवस्था कर लो कि शीशे में आप रात को ढक सको, कोई भी ऐसी व्यवस्था कर सकते हो कि शीशा आप रात को ढक सको। वैसे बोला जाता है, देखिए ये मैंने कहीं प्रमाण तो पढ़ा नहीं है, मैंने सुना है ये बात, ऐसा बोला जाता है एक एस्ट्रोलॉजर की वो से ही मैंने सुनी थी ये बात, कि अगर सेक्सुअल लाइफ में कोई परेशानी आती है तो बेडरूम में शीशा बहुत शुभ होता है, लेकिन रात के समय आफ्टर संभोग, मतलब संभोग करने के तत्पश्चात जब हम सोने के लिए जाते हैं, तो वो शीशा ढक देना चाहिए। तो मेरा मानना तो यही है, या तो बेडरूम में शीशा रखिए मत, अगर रखा भी है, जगह की कम, स्पेस की कमी है, तो उसको ढकने की व्यवस्था रखिए, या फिर उस दिशा में रखिए, उस कोने में रखिए, यहाँ पर आपके बेड का आमना सामना शीशे से बिल्कुल भी ना हो। इससे बीमारियां बढ़ती हैं, आर्थिक परेशानियां होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे। अब हम बात करते हैं बेडरूम के बाद हो गया, बाथरूम में आते हैं। हर किसी के बाथरूम में शीशा होता है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अगर आपके बाथरूम में भी शीशा है तो जैसे ही आप बाथरूम का दरवाजा खोल रहे हो, सबसे पहले शीशे पे नजर ना पड़े, कुछ इस दिशा में शीशा नहीं रखना चाहिए। माना कि आपके बाथरूम में भी शीशा है, हर किसी के बाथरूम में शीशा होता ही है ऑलमोस्ट, लेकिन उस दिशा में शीशा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने बाथरूम खोला और सामने ही आपको शीशा दिख गया, तो वो अशुभ माना जाता है, अशुभ संकेत होता है, वो ऐसी दिशा में शीशा बाथरूम में नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। अब किचन की बात करते हैं। घर में तीसरी जो चीज आती है वो किचन ही आती है। पहले मैंने आपको बेडरूम के बारे में बताया, फिर मैंने आपको बाथरूम के बारे में बताया, अब मैं आपको किचन के बारे में बताती हूँ। किचन में शीशा रखना बहुत 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 शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में भी किचन है, या फिर स्टोर वाइज जो रूम होता है जिसमें कभी कभी खाद भी रखते हैं और भी बहुत सारे सामान, जो भी चीजें होती है हमारे घर की स्टोरेज, उसमें भी भंडार घर जिसे आप बोल सकते हो, भंडार घर में हम बैकअप रखते हैं अपनी किचन का, या फिर किचन में, दोनों ही जगह शीशा रखना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि किचन में या फिर भंडार घर में अगर
शीशा होता है तो धन संपदा बनी रहती है, रिश्तों में प्रेम बना रहता है। तो अब आगे बढ़ते हैं मेन गेट की तरफ। कोई कोई लोग कहते हैं मेन गेट की तरफ शीशा होना चाहिए, कोई कहते हैं नहीं होना चाहिए, तो आपकी क्या राय है? मेरी राय जो अगर मैं बोलूं तो मेन गेट के ठीक मेन गेट पे अगर शीशा होता है तो वो शुभ होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मेन गेट पे शीशा ऐसा लगाइए कि कोई भी व्यक्ति अपनी परछाई देखते हुए जाए। आपने किसी दुकान में देखा होगा कि भैया उस पे शीशा ऐसा लगता है कि अपनी परछाई देखते हुए जाता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर में एंट्री कर रहा है और मेन गेट पे उसको शीशा दिख गया तो उसकी नेगेटिविटी शीशे में ही आ जाएगी, फिर वो अपनी पॉजिटिविटी लेके आएगा, मतलब अपनी नकारात्मक ऊर्जा को शीशे में ही छोड़ देता है। ठीक इसी प्रकार से आपका जो घर होता है या फिर आपकी जो दुकान है, दुकान के मेन गेट पे भी या फिर घर के मेन गेट पे भी शीशा रखना शुभ होता है। इससे कार्य में भी सफलता मिलती है और आपके घर पे भी सुख समृद्धि बनी रहती है तथा नेगेटिविटी किसी भी प्रकार की नहीं आती है। अब बात करते हैं कि हमारे घर में, हर किसी के घर में एक पैसे रखने की जगह तो होती है ना, जैसे तिजोरी कहते हैं, अलमारी में या फिर कहीं भी। कभी कभी मैं कोई टिप्स बताती हूँ कि भैया तिजोरी के साथ ऐसा करो, ये रखो वो रखो वो रखो, तो लोग कहते हैं कि हमारे घर पे तिजोरी नहीं है, हम कैसे रखें? भैया पैसे ऐसे फेंक देते हो, क्रेडिट कार्ड वगैरह हो गए, चलो ऑनलाइन कैश पेमेंट हो गया, क्रेडिट कार्ड वगैरह हो गए, ऐसे ही फेंक देते हो, कहीं भी आया रख दिया। कुछ तो ज्वेलरी वगैरह कहीं तो रखते हो गए ना, तो उस जगह पे जिसे तिजोरी बोलते हैं, यहाँ पे अपना पैसा वगैरह आप रखते हो, वहां पे भी शीशा रखना शुभ होता है। अपने घर में भी और घर के मतलब दुकान की जो जिसे कहते हैं गल्ला कहते हैं ना शायद, जो गल्ला होता है दुकान का, उसमें भी आप शीशा रख सकते हो, कांच मतलब कांच का शीशा रख सकते हैं। पैसे की दिक्कत नहीं होती, आय डे बाय डे बढ़ती है, संपत्ति डे बाय डे बढ़ती है। अब हम बात करेंगे बच्चों के कमरे की, तो बच्चों के कमरे में भी शीशा होना बहुत आवश्यक है, लेकिन विशेष ध्यान रखिए, बच्चों के कमरे में आजकल लोग बड़े फैंसी हो गए हैं तो शीशा भी फैंसी लगा देते हैं, ऐसा शीशा लगा देते हैं जिसमें उनकी चार पांच शकल दिखती है या फिर टेढ़े मुड़े उनकी शकल दिखती है, तो भैया उससे सावधान हो जाइए। बच्चों के कमरे में शीशा होना चाहिए, लेकिन बच्चों के कमरे में ऐसा शीशा होना चाहिए कि केवल और केवल पढ़ने वाला बच्चा उसमें अपना प्रतिबिंब देख सके, जिससे उसको नकारात्मक ख्याल नहीं आएंगे, उसकी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, उसका पढ़ाई में मन अत्यधिक लगेगा। तो शीशा रखना बच्चे के घर पे, बच्चे के जो कमरा होता है वो बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके घर पे भी विवाह योग्य लड़का या लड़की है तो सावधान हो जाइए, उसके कमरे में शीशा नहीं होना चाहिए। विशेष ध्यान दीजिए, या तो आपके घर में विवाह योग्य लड़का या लड़की है तो उसके कमरे में किसी भी प्रकार का कोई शीशा नहीं होना चाहिए, तो इससे क्योंकि विवाह में बाधा उत्पन्न होती है। अगर वो मतलब साज श्रृंगार उनको जो भी करना है वो दूसरे कमरे में जाके कर सकते हैं, कुछ ही दिन की बात है, उसके बाद तो आराम से आप शीशा ला के रख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि कहाँ पे शीशा होना चाहिए कहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये बात तो हमने बहुत ज्यादा कर ली। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके घर में कोई ऐसा शीशा है जो क्रैक हो रखा है, अगर आपके घर पे भी कोई ऐसा शीशा है जिसमें दरार आ रखी है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि लोगों के घर पे दरार आए हुए शीशा होता है लेकिन वो फेंकते नहीं है, भैया उसको थ्रो आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर शीशा थोड़ा सा भी टूट गया है तो उसको थ्रो आउट करो, नहीं तो वो घर के रिश्तों में दरार लेके आ जाएगा, नेगेटिविटी लेके आ जाएगा, नकारात्मक प्रभाव डालता है, आर्थिक प्रभाव डालता है और हमें मानसिक रूप से भी वो टॉर्चर करता है, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी आ जाती है, आर्थिक रूप से भी टॉर्चर करता है, रिश्तों में भी दरार डालता है। तो आपके घर में भी कहीं टूटा हुआ शीशा है तो विशेष ध्यान दीजिए, उसको घर से किसी भी तरह से निकाल दीजिए, उसको घर पे आपको नहीं रखना है। और एक बात मैंने बहुत सारे लोगों के घर पे देखी होगी कि यहाँ पे भी शीशा होता है, उस पे अगर धूल जम रही है तो आपकी किस्मत पे भी धूल जम रही है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपके घर में जितने भी शीशे हैं उसमें कभी भी धूल नहीं जमनी चाहिए, किसी भी प्रकार का काला वाला स्पॉट धब्बा नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन शीशे को साफ रखिए और वो आपकी किस्मत को साफ रखेगा। और अब लास्ट में जाते जाते आपको बता देती हूँ कि शीशे की दिशा कौन सी होती है। आपने बता दिया कि यहाँ पे रखो वहां पे रखो, लेकिन किस दिशा में हम अपना शीशा रख सकते हैं? तो उत्तर पूर्वी दिशा से, उत्तर पूर्वी दिशा में अगर आप शीशा रखेंगे तो घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, प्रबलता घर में आएगी, बल घर में आएगा, बुद्धि घर में आएगी, विवेक घर में आएगा, हौसला घर में आएगी, अरे पूरी तरीके से पॉजिटिविटी सकारात्मक ऊर्जा आपके घर पे आ जाएगी। और जाते जाते आपको एक वास्तु टिप,
जो कि बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, आपको देना चाहूंगी कि अपने घर की बालकनी और छत हमेशा साफ रखें। आपके घर में राहु केतु का प्रवेश नहीं होगा अगर आपके घर की बालकनी, जैसे कि फ्लैट्स एरिया में रहते हैं तो अपनी बालकनी जरूर साफ रखिए, और अगर घर है आपका मकान है तो अपने घर की छत हमेशा साफ रखिए, साफ सुथरी छत रखिए अगर घर में सकारात्मक ऊर्जा चाहते हो तो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे YouTube चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे अगर आपका भी फायदा हो रहा है तो आप चाहिए कि दूसरों का भी फायदा जरूर और जरूर करा सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, राधे श्याम, जय श्री कृष्णा, हरी बोल।